गाइस कैसे हो आप सब। मैं संगीता संगीता की रेसिपी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आलू और सूजी का एक सिंपल सा नाश्ता बनाते हैं, जो कि रेसिपी है और सबके घर में इजी है, सबके घर में मिल जाता है आसानी से सामान। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसके लिए एक लिया है बॉल, जो आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लेंगे एक बड़े साइज का आलू। आलू को हमने ले लिया है। अब इसमें हम डालते हैं सब्जियाँ। हमने इसमें लिया है धनिया पत्ती, धनिया पत्ती है, और ये लहसुन है कटा हुआ, और हमने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, जिसको बारीक बारीक करके चॉप कर लिया है। और इसमें हम डालते हैं हरी मिर्च, और हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं छोटे साइज का टमाटर। टमाटर को आप स्किप कर सकते हैं, और डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो इसमें हम डालते हैं 2-3 चम्मच चावल का आटा, ज़्यादा नहीं, 3 चम्मच हम डालते हैं। और इसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी को हम डाल देते हैं 2 चम्मच के बराबर। इससे का है नाश्ता क्रिस्पी होता है। हम इसमें डालते हैं मसाला। तो 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, छोटे साइज का चम्मच है मेरा। और इसमें फिर हम डालते हैं 1/2 चम्मच के बराबर हल्दी। 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं जीरा, जीरा से फ्लेवर अच्छा आता है। और इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक हम डाल दिए। अब इस सबको डालने के बाद हम थोड़ा सा डाल देते हैं, तो हम इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं आमचूर पाउडर। आपके पास चाट मसाला है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो हम इसको सबको डाल के अब अच्छे से इसको हम बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको ये गीला लग रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें सूजी या चावल का आटा को मिला सकते हैं। तो अभी हम इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, अभी हम अच्छे से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट हमने बना लिया है, इसको सान के अच्छे से रख लिया है मिक्स करके। तो इसको अब हम चलते हैं गोला बनाने। तो छोटा छोटा इसको हम लेके छोटा छोटा साइज का लेके, आप देख सकते हो ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा है। तो इसको हम बढ़िया से एक गोली बना लेंगे। गोली बना बना के इसको हम अच्छे से यहाँ पे रख लेंगे। तो सभी को हम गोली बना के रख लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, हमारा बनके ये तैयार हो गया है, आप देखिए। अब इसके लिए हम चलते हैं पेस्ट बनाने। तो चावल और सूजी का हमने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा घोल बना लिया गाढ़ा करके, आप देख सकते हो। पतला नहीं करेंगे ताकि ये आलू में अच्छे से चिपक जाए। और हमने पोहा को मिक्सर में थोड़ा सा मिक्स करके रख लिया है। और चलिए अब हम छान कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, आप जैसा कि देख सकते हो। तो गोली को हम ऐसे उठाएँगे और इसमें इस तरह से हाथों के सहारे से बढ़िया से लगा के, और एक एक से करके हम बारी बारी डालते जाएंगे। चावल का घोल थोड़ा मोटा ही बनाइए, पतला ना हो। इस तरह से अपने हाथ के सहारे से इसमें हम डालते जाएंगे। आंच को कम फ्लेवर पे रखिए, ज़्यादा कम ना हो ना ज़्यादा ज़्यादा हो, मीडियम पे रखिए। आराम से इसमें डाल डाल के बहुत क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार होता है। देखिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से बढ़िया से चला लेते हैं। ये देखिए, इसको हम मीडियम आंच में करके भून रहे हैं ताकि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बढ़िया वाला नाश्ता तैयार हो। ये देखिए, तो फ्रेंड देखिए, हम इसको बढ़िया से ब्राउन हो गया है, जो लाल ज़्यादा हो गया है इसको हम निकाल लेते हैं।
ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितना। तो इस तरह हम निकाल लेते हैं, जो बाकी बचा है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए बनके नाश्ता मेरा तैयार हो गया है, करारा वाला आप देख सकते हो, देखिए एकदम खरखर नाश्ता है, एकदम क्रिस्पी हुआ है बनके, आप देख सकते हो कितना बढ़िया नाश्ता छनके हुआ है, अंदर से भी बढ़िया से गल गया है, ये कच्चा का कोई बात नहीं है, आप देख सकते हो बहुत करारा हुआ है। इस तरह से आप भी अपने घर में बनाने का कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा बनता है, और आप भी अपने फैमिली में इसी तरह का नाश्ता बना के खाइए, चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए अपने घर में बना के। फ्रेंड्स नाश्ता मेरा बनके तैयार हो गया, आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।